आप अपनी उंगलियों पर कहां तक गिन सकते हैं? ये एक स्पष्ट उत्तर वाला प्रश्न लगता है। आखिरकार हम सबकी 10 उंगलियां हैं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो 8 उंगलियां और 2 अंगूठे हैं। इससे हमारे दोनों हाथों पर कुल 10 अंक मिलते हैं, जिनका उपयोग हम 10 तक गिनने के लिए करते हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि हम अपनी आधुनिक संख्या प्रणाली में जिन 10 प्रतीकों का उपयोग करते हैं उन्हें अंक भी कहा जाता है। लेकिन गिनने का यही एकमात्र तरीका नहीं है। कुछ जगहों में बस एक हाथ पर 12 तक गिनने का रिवाज है। कैसे? हर उंगली 3 खंडों में बटी है और प्रत्येक को इंगित करने के लिए एक पॉइंटर है, अंगूठा। इससे हमें एक हाथ पर 12 तक गिनने का आसान तरीका मिलता है। और यदि हमें आगे गिनना है तो हम दूसरे हाथ की डिजिट्स का प्रयोग करके 12 के 5 समूह या 60 तक पहुंचने के लिए 12 तक का ट्रैक रख सकते हैं। इससे भी बेहतर, हम दूसरे हाथ के खंडों का उपयोग करके 12 के 12 समूहों को 144 तक गिन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सुधार है, लेकिन हम प्रत्येक हाथ पर अधिक गणनीय भागों को ढूंढकर और ऊपर जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, गिनने के लिए कुल 6 चीजों के लिए प्रत्येक उंगली में 3 खंड और 3 क्रीज होते हैं। अब हम हर हाथ में 24 तक और दूसरे हाथ से 24 के समूह बनाकर 576 तक पहुंच सकते हैं। क्या हम और ऊपर जा सकते हैं? लगता है हम उंगली के विभिन्न भागों से सटीकता से गिनती की सीमा पर पहुंच गए हैं। तो चलिए कुछ अलग सोचते हैं। हमारे सबसे महान गणितीय आविष्कारों में से एक स्थितीय अंकन की प्रणाली है, जहां प्रतीकों की नियुक्ति मूल्य के विभिन्न परिमाणों को अनुमति देती है, जैसे कि संख्या 999 में। हालांकि एक ही प्रतीक 3 बार इस्तेमाल होता है, हर स्थिति मात्रा के अलग क्रम को इंगित करती है। तो हम अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उंगलियों पर पोजिशनल मान का उपयोग कर सकते हैं। एक पल के लिए उंगली के खंडों को भूल जाएं और प्रत्येक उंगली पर ऊपर और नीचे केवल 2 विकल्पों के होने पर विचार करें। इससे हम 10 की पावर पेश नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये बाइनरी गणना प्रणाली के लिए उपयुक्त है, जिसमें 2 की पावर का उपयोग करते हैं। बाइनरी में प्रत्येक स्थिति का मान पिछली स्थिति से 2 गुना होता है, इसलिए हम अपनी उंगलियों को 1, 2, 4, 8 यानी 512 तक मान दे सकते हैं, और कोई भी सकारात्मक पूर्णांक एक निश्चित सीमा तक हो सकता है। इन संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया गया है। उदाहरण के लिए संख्या 7 4+2+1 है, इसलिए हम केवल इन 3 उंगलियों को उठाकर इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस बीच 250 128+64+32+16+8+2 है। अब हम कितनी ऊंचाई पर जाएंगे? वो सभी 10 उंगलियों को ऊपर उठाने वाली संख्या हो, या 1023। क्या इसे भी ऊपर जाना संभव है? ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितना निपुण महसूस करते हैं। यदि आप प्रत्येक उंगली को आधा मोड़ सकते हैं तो इसमें हमें 3 अलग अलग अवस्थाएं मिलती हैं, नीचे आधी मुड़ी हुई और ऊपर उठी हुई। अब हम आधार 3 स्थितीय प्रणाली का उपयोग करके 49048 तक की गिनती कर सकते हैं। और यदि आप उंगलियों को 4 या अधिक भिन्न दिशाओं में मोड़ सकते हैं तो आप और ऊपर जा सकते हैं। ये सीमा आप तथा आपके लचीलेपन और होशियारी पर निर्भर है। यहां तक कि केवल 2 संभावित स्थितियों में हमारी उंगलियों के साथ हम पहले से ही काफी कुशलता से काम कर रहे हैं। दरअसल हमारे कंप्यूटर इसी सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक माइक्रोचिप में छोटे विद्युत स्विच होते हैं, जो या तो चालू या बंद हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि Base2 डिफॉल्ट तरीका है जिससे वे संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जैसे हम अपनी उंगलियों का उपयोग करके 1000 से आगे तक की गिनती कर सकते हैं, कंप्यूटर केवल 1 और 0 की गिनती करके करोड़ों ऑपरेशन कर सकते हैं। दिमाग को ज्यादा घुमा देने वाले गणित के लिए, चांद पर पहुंचने के लिए कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर हमारे वीडियो में घातीय वृद्धि के बारे में जानें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।